नहीं मिला है और टाइम चाहिए, ये दो रीजंस छोड़ के कुछ भी बोल सकते हैं। केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर, ये मर्डर पक्का प्लानिंग से किया गया है सर। मर्डर करने वाला बहुत चालाक है, उसने कोई क्लू नहीं छोड़ा है। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि आसानी से नहीं मिलेगा? सर अब क्या करें सर? जिसमें दिमाग होता है वो सवाल नहीं करते हैं। ठीक है, जाओ और छानबीन करो, 24 आवर्स में उसे पकड़ना जरूरी है। डू यू अंडरस्टैंड? अगर इस कॉलेज में चित्रा ना हो तो कॉलेज में रहने का पर्पस ही नहीं रहेगा, क्या बोलता है? उधर देखना। हे, इधर आओ। तुम इधर आओ। फर्स्ट ईयर की हो ना? नहीं, फाइनल ईयर। क्या? इंटर का? क्यों, तुम लोग वहीं रुक गए हो क्या? भाई इतनी बड़ी बात बोल के चली गई है, हमने तो 3 साल लगा दिए इंटर पास करने के लिए और 25,000 रूपए खर्च किए ये दिन देखने के लिए। कौन सा दिन भाई? भाई वैसे आपकी एज कितनी है? आने वाले 11 तारीख को 23 पूरे होंगे, अभी 22 रनिंग है। भाई त्योहार और सरकारी छुट्टी को निकाल कर नहीं, सब मिलाकर बताओ। ए, भाई अपने आखिर अपने भाई कितने बड़े हैं ये तो। कितनी बार बोला है कि फालतू जोक मत मारा कर, बड़ा सोच। वो जा रही है, चल हम लोग निकलते हैं। चल। क्या हुआ, इतना लेट क्यों? लफंगे पीछे पड़ गए थे। चल ठीक है, जल्दी चल। किसकी क्लास है रे? कृष्णा राव का क्लास है भाई। अच्छा, इसकी क्लास भी हाउसफुल होने लगी है। हाँ भाई। सीट खाली है क्या? तुम यहाँ नहीं बैठोगे तभी सीट खाली होगी ना। इसके नखरे तो देखो, लोकेशन चेंज। ए हटो हटो हटो, विंडो सीट, विंडो सीट। भाई को बैठना, क्लास खत्म होते इधर से निकलेंगे ना भाई। साइलेंस। बाहर बोर हो रहा था इसलिए सोचा कि अंदर आते, लेकिन यहाँ पे भी वही हाल है। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? चेहरा तो देखो इसका। सर अपना ही टॉपिक है सर। अच्छा, जरा इसे कंटिन्यू करो। अकॉर्डिंग टू गिवन सर्वे नंबर दिस प्यारी फील बिलोंग टू मिस्टर नायडू। तुम बताओ। सर इस विषय में आप कुछ नहीं कर सकते? ये लड़के हैं ना, थोड़ी उम्मीद ज्यादा रखते हैं। गेट आउट। क्या रे, हमने सब सही बोला ना? इसने शायद सिनेमा नहीं देखा है भाई। एटीट्यूड रे। तुम लोग निकलोगे या मैं जाऊं? बुक लेके आ। डॉक्टर साहब नमस्ते। कल वो एक्सीडेंट केस वाला, वो हॉस्पिटल पहुंचे तक वाइफ और हस्बैंड दोनों मर चुके थे। बच्ची का भी ऑपरेशन किया है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई, पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। लड़के को नॉर्मल इंजरीज आई हैं तो फर्स्ट एड करके उसे जनरल वार्ड में रखा है। सर हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, एक बच्चा जिंदा है। क्या हुआ सर? अगर वो बच्चा बच गया ना तो हम नहीं बचेंगे। तो ICU में जाकर देख, मैं जनरल वार्ड में देखता हूँ, चल जा। ठीक है सर। वो लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ था लगता है बाहर गया। We'll be right back.
केशव। फॉरेंसिक टीम को कॉल करो। फिर से वही है क्या? लगता तो है सर। हेलो। हेलो सर, अमलापुर एसआई। कुछ पता चला? कोई एविडेंस मिला क्या? अभी कुछ मिला नहीं है सर, डिटेल्स में इंक्वायरी करके। तुम चुप रहो, इस महीने में दूसरा केस है। पहले मर्डर केस में तो अब तक तुम्हें कोई क्लू नहीं मिला है, इतने में दूसरा भी हो गया? नहीं सर, एक वीक का टाइम मिल जाए तो। अब तक क्या तीसरा कवर करोगे सर? एक तरफ गवर्नमेंट और एक तरफ मीडिया, क्या जवाब दूं मैं इन सबको? इस केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेके फॉरन हेड ऑफिस पहुंचो। क्या करना है मुझे पता है। ओके सर। डिस्ट्रिक्ट में होने वाली एक के बाद एक हत्या को नजर में रखते हुए इन हत्याओं के पीछे हत्यारे को पकड़ने के लिए होम मिनिस्टर से बात करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हम लोगों ने नियुक्त किया है।